हाय फ्रेंड्स, मणि मेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये एक ऐसा एक दिग्गज शेयर है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मोबाइल से नोएडा बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ऑनलाइन सर्विसेज हर चीज़ प्रोवाइड करता है, और आपका सबसे बड़ी बात है कि इसका एंट्री पॉइंट अभी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, RSI नॉर्मल है, और रेड AGM लिस्ट में भी नहीं है। डिविडेंड उतना से प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, जस्ट लिस्टिंग हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, स्प्लिट हुआ है उसमें, और 20,000 के प्राइस पे जाके फिर स्प्लिट हुआ है दोस्तों। अभी करंट मार्केट प्राइस में 3,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बहुत जल्द आपका 5,000 आता हुआ रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स में लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड हो रहा है दोस्तों। जैसे कि 76% एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है, और स्टॉक को बाइंग के करंट मार्केट प्राइस में बाइंग का अपॉर्चुनिटी और बाइंग के सलाह दे रहा है दोस्तों। ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, डिज़ाइन फोकस्ड प्रोडक्ट करता है, आपका मोबाइल से लेके लाइटनिंग और सबसे ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बाकी सब कुछ ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। और इंडिया बेस्ड कंपनी है, जब से मेक इन इंडिया है और उसका चाइना से हम इम्पोर्ट करना बंद कर दिए, तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है दोस्तों फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर। और बहुत ज़्यादा भागा है 2020 में, जो आप देख सकते हो। रेवेन्यू देखो 2020 का 4.41,000 करोड़, और प्रॉफिट हुआ है 0.12,000 करोड़। तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, और बहुत जल्द आपको ये बूम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितना कंसोलिडेट स्प्लिट होने के बाद करना था ये कर लिया है दोस्तों। फिर से एक तेज़ी के रफ्तार पकड़ने वाला है, बहुत आपका मई के लास्ट तक 5,000 का टारगेट आ जाएगा दोस्तों। मई के लास्ट तक देख सकते हो, जैसे कि होम ग्रोन डिज़ाइन फोकस करता है, जैसे भी मेटल स्टॉक बढ़ रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज डिक्सन, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सब का टाइम है दोस्तों। ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप अवॉइड करो, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टील का रेट बढ़ रहा है, तो ऑटोमोबाइल का रेट भी बढ़ेगा, कार का रेट बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन है, तो उतना ज़्यादा कस्टमर आपका इसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं, मेडिकल प्रोडक्ट और अपने हेल्थ का ही फिक्र करेगा। ROC देख सकते हो 34% का है, और अभी देखो 50 डेज DMA को जस्ट टच करने वाला है, लेकिन करेगा नहीं दोस्तों, यहाँ से एक ब्रेकआउट, और अगर 50 डेज DMA को टच किया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा दोस्तों, और फिर से एक आपको बहुत बड़ा रैली इसमें देखने को मिलेगा। इससे पहले बड़ा रैली देख पाए, आप अपना पोजीशन बनाओ दोस्तों। कंपनी रिड्यूस किया है डेप्थ को, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिटर्न और गुड क्वार्टर रिजल्ट, वो भी दिया है दोस्तों। 59% CAGR लास्ट 5 ईयर से, तो 1,00,000 लगाते तो 60,000 मिल जाता आपको, तो इतना बढ़िया रिटर्न, तो कितना स्ट्रांग फंडामेंटल और कितना स्ट्रांग मैनेजमेंट है आप समझ लो दोस्तों। सेल्स देख सकते हो, जो मार्च 20 में आपका 4,400 करोड़ का है, CAGR 3 ईयर में 76%, बाप रे बाप, 1 ईयर में 365, तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो कितना शानदार चार्ट है, कितना स्ट्रांग फंडामेंटल है, कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, और इंट्राडे से अच्छा है कि स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों के लिए बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। ROCE देखो मार्च 2020 में 34% का है, और मार्च 2029 में 27% का है। प्रोमोटर अपना होल्डिंग जो है 0.02% कम किया, और FII ने थोड़ा सा कम किया है, DII ने भर भर के माल उठाया है, और पब्लिक भी उठाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो आपका चैनल को, और ऐसे वीडियो